एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राइस बीटल के बारे में, जिसको हिस्पा आर्मी चेहरा बोला जाता है। तो ये जो राइस बीटल होता है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं राइस कुंडी बग के बारे में, राइस ग्रास होपर के बारे में एंड राइस स्टैम्प बोरर के बारे में। इन इस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप और वीडियोस देख सकते हैं। तो राइस बीटल के बारे में अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो सबसे फर्स्ट आती है सिस्टमेटिक पोजिशन। किंगडम इसका एनिमिलिया होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर इसका पोलियोप्टेरा होगा, फैमिली इसकी क्राइसोमेलिडिए। ऐसा टाइप का ये इंसेक्ट जो है ये नजर आता है। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, थ्रू आउट द इंडिया ये पाया जाता है। फूड प्लांट्स ये सिर्फ राइस प्लांट के ऊपर ही फीड करता है। इसके बाद इसकी जनरल अपीयरेंस क्या होगी, ठीक है, ऐसा टाइप का नजर आता है, या फिर हमने एक पिक्चर और इसकी देखी थी। तो इसकी अगर जनरल अपीयरेंस की बात करें तो थोड़ा सा ब्लैक कलर का ही होता है। द इंसेक्ट इज स्मॉल ब्लू ब्लैक कलर क्लर्ड होता है, ये बीटल होता है, अबाउट 10 मिलीमीटर लेंथ का होता है, ठीक है, 10 मिलीमीटर लेंथ का ही होता है। इट हैज ब्लैक ब्रिसल्स ऑन इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के ऊपर ना ब्लैक ब्रिसल्स नजर आते हैं। इट इज कॉमनली कॉल्ड धान का हिस्पा, इसको धान का हिस्पा भी बोला जाता है, ठीक है, कॉमनली इसको धान का हिस्पा बोला जाता है। तो ये इसकी जनरल अपीयरेंस है कि ये एक स्मॉल ब्लू ब्लैक कलर का इंसेक्ट होता है, 10 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसके पास क्या होते हैं, ये ब्रिसल्स इसके बैक के ऊपर यहाँ पे नजर आते हैं, एंड इसको धान का हिस्पा बोला जाता है। इसके बाद इसकी हैबिट्स क्या क्या होंगी, तो हैबिट्स की अगर हम बात करें, द अडल्ट लाइव ऑन पैडी लीव्स एंड फीड ऑन ग्रीन स्क्रैपलिंग, ये क्या करता है, ये पैडी लीव्स के ऊपर ईट करता है और उनके ऊपर फीड करता है, स्क्रैप कर करके उनके ऊपर फीड करता है। द ग्रुप्स आल्सो फीड ऑन लीव्स, इसके बाद एक इसके अंदर ग्रुप्स की स्टेज आती है, वो भी लीव्स के ऊपर ही फीड करती है। एंटायर लाइफ साइकिल इज कम्प्लीटली कम्प्लीटेड इन 20 to 30 days, एंड 20 to 30 days के अंदर इसकी एंटायर लाइफ साइकिल कम्प्लीट हो जाती है। अब लाइफ साइकिल जो है ये 20 to 30 days लेती है, एंड इट अकर्स मेनली ड्यूरिंग जुलाई टू अक्टूबर, जुलाई टू अक्टूबर के अंदर इसकी लाइफ साइकिल चलती है। सबसे फर्स्ट स्टेज आती है लाइफ साइकिल के अंदर एग्स, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेज ही एग्स की आती है। द बीटल लेज एग्स सिंगली इनटू द टिश्यूज ऑफ द यंग लीफ क्लोज टू द टिप, टिप के क्लोज यहाँ पे, ठीक है, टिप के क्लोज ये क्या करता है, टिप के क्लोज यंग लीफ के टिश्यूज के अंदर ये एग्स ले करता है। एग्स कैसे होते हैं, सिंगली ले किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है ग्रुप्स की, ठीक है, ये ग्रुप्स की स्टेज आती है। आफ्टर इंक्यूबेशन ऑफ 6 to 10 days, 6 to 10 days का इंक्यूबेशन पीरियड ये लेता है, 6 to 10 days। इसके बाद जो है ये क्या करता है, ग्रुप्स कम आउट हो जाते हैं, ये ग्रुप्स एग्स में से कम आउट होंगे। द ग्रुप ग्रुप्स पेनिट्रेट इनटू द लीफ टिश्यू एंड स्टार्ट फीडिंग ऑन द ग्रीन मैटर। अब ये ग्रुप्स क्या करेंगे, ये ग्रुप्स उन लीव्स के ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देंगे, उन लीफ टिश्यूज के ऊपर फीड करना स्टार्ट कर देंगे। दिस स्टेज रिमेंस फॉर 9 to 12 days, एंड ये स्टेज जो है ये 9 to 12 days तक रहती है। ग्रुप्स जो है वो क्या करते हैं, एक बहुत सा अच्छा खासा डैमेज कोज कर देते हैं राइस प्लांट को। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है प्यूपा की, ठीक है, नेक्स्ट स्टेज प्यूपा की आती है। द ग्रुप प्यूपेट इनसाइड द बरो इन द लीफ, लीफ के अंदर ही क्या करता है, ऐसे शीट या फिर बरो से बना लेता है, उसके अंदर ही क्या करता है, अब उसके अंदर ही ये प्यूपेट करता है। दिस स्टेज लास्ट फॉर 7 days, एंड ये स्टेज जो है ये 7 days तक चलती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है अडल्ट की। अडल्ट जो है आफ्टर 7 days प्यूपा इमर्ज आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ एन अडल्ट बाय पंक्चरिंग द एपिडर्मिस, क्योंकि ये क्या किया था इसने, एक बर्रो सी बना ली थी, वहां से ये निकल के आएगा, यहाँ से प्यूपा के अंदर भी ऐसे कोकून टाइप का होता है, तो ये इसे एक पंक्चर करके, इसके एपिडर्मिस को पंक्चर करके उसमें से ये बाहर निकल आएगा अडल्ट। तो ये इसकी लाइफ साइकिल होती है, एग्स होते हैं, सिंगली ले की जाती है, देन ग्रुप की स्टेज आती है, ग्रुप के लीव्स के ऊपर ईट करता है, और फिर प्यूपा की स्टेज आती है, प्यूपा के बाद अडल्ट की स्टेज आती है। अब इसके कंट्रोल एंड डैमेज क्या होंगे, तो सबसे फर्स्ट डैमेज क्या कोज करता है, मेन डैमेज जो है अडल्ट एंड ग्रुप्स इसके अंदर कोज करते हैं, ठीक है, अडल्ट एंड ग्रुप्स इसके अंदर मेन डैमेज कोज करते हैं, उनके जो जो भी लीव्स होते हैं उनके टिश्यूज को ईट करके।
द ग्रोव्स पेनिट्रेट इनटू लीव्स फ्रॉम द टिप टू द बेस. एंड ग्रोव्स क्या करते हैं, लीव्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं टिप से लेके बेस तक. The adults scrap green matter from the leaves and feeds on the green matter. और adult क्या करते हैं, अब adult scrap करते हैं green matter जो भी होता है leaves का, उसको scrap कर लेते हैं and उसके ऊपर feed करते हैं. Due to damage of the leaves, crop remains stunted and so yield is reduced by 21%. अब damage की वजह से leaves क्या हो जाते हैं, वो stunted हो जाते हैं, उन growth नहीं कर पाते हैं और overall इसकी 21% तक एक field की जो yield है वो reduced हो सकती है. तो ये कुछ डैमेज है जो कि अडल्ट एंड ग्रुप्स फोर्स करते हैं. इसके बाद इससे कुछ कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल जैसे कि द बीटल्स शुड बी कलेक्टेड मैनुअली एंड किल्ड. कि इन बीटल्स को मैनुअली पकड़ पकड़ के कलेक्ट करना चाहिए एंड फिर इनको मार देना चाहिए. द पैडी लीफ टिप्स कंटेनिंग ब्लोच माइंस शुड बी प्लग्ड एंड डिस्ट्रॉयड. अब जिसके अंदर भी ऐसे शीथ ऐसे टाइप के ब्लोच नजर आ रहे हैं जिन लीव्स के अंदर, उनको प्लग कर देना चाहिए और उनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए. The crop should be dusted by 10% BSC and at the rate of 30 kg per hectare. या तो 30 kg per hectare 10% BSC का dust करना चाहिए. इसके अलावा rice crop should be sprayed 0.07% एंडोसल्फान एंड 0.03% फॉस्फोअमाइड. इनका भी स्प्रे किया जा सकता है, तो BSC हो गया, एंडोसल्फान हो गया, फॉस्फोमाइडोन हो गया, इन पेस्टिसाइड्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या तो इनको मैनुअली ही पकड़ सकते हैं, या तो जिन टिप्स के ऊपर हमें ऐसा लग रहा है कि ब्लोच कंटेन कर रहा है तो, या फिर ऐसे ब्लोच माइंस है तो उनको कट करके प्लग करके इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, या फिर इन कुछ पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए. तो ये कुछ कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं राइस बीटल के अगेंस्ट. तो यहाँ तक हमने पैडी के या फिर ओराइजा स्टाइवा के सारे ही पेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है. मेन पेस्ट राइस बूंदी बग के बारे में, राइस ग्रास ओवर के बारे में, राइस स्टैम्प ओवर के बारे में एंड राइस बीटल के बारे में. तो यहाँ तक हमने पैडी के सारे इंसेक्ट्स या फिर पेस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.